अपने घर को सजाते समय हम घर के हर कोने पर ध्यान देते हैं। हम लुक को बढ़ाने के लिए घर के हर स्पेस के सभी हिस्सों को अच्छी तरह से सजाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम अक्सर अनजाने में अपने घर के प्रवेश द्वार को भूल जाते हैं। फ्रंट डोर घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है और इसे सही तरीके से सजाया जाना चाहिए, क्योंकि मेहमान पहले इस हिस्से को देखेंगे और इसकी खूबसूरती से उनका दिल भी खुश होगा। इसलिए होम एंट्रेंस को प्रभावशाली बनाना ज़रूरी है। जब फ्रंट डोर की सजावट की बात आती है तो इसमें पौधे अद्भुत काम करते हैं। वे उस स्पेस को जीवित बनाते हैं। यदि संभव हो तो अपने प्रवेश द्वार के लिए फूलों के पौधों को चुनने की कोशिश करें। यहाँ कुछ ऐसे पौधे बताए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने फ्रंट डोर के आसपास रख सकते हैं। इनमें से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कि इंडोर भी रखे जा सकते हैं। अब यदि मेहमान आपके घर आए तो उन्हें खूबसूरत होम एंट्रेंस देखकर मजा आ जाए और आपका भी एक अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि घर का इंटीरियर भले ही कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, पहला इम्प्रेशन तो घर के बाहर से ही पड़ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने वाले हैं जो आप अपने घर के एंट्रेंस डोर पर रख सकते हैं और जिनको बहुत लो मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी। यह पौधे किसी भी तरीके के वातावरण में रह सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं और बाहर भी। यह पौधे हरा सुख और शांति का प्रतीक है, इसलिए ज़्यादातर लोग इन्हें अपने घर में जगा देते हैं। यह पौधे ना सिर्फ दिखने में सुंदर हैं, बल्कि यह शांति और कल्याण को भी आकर्षित करते हैं। यह पौधे आपके घर को एक पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं। वास्तु के अनुसार यह पौधे घर में लगाने से वास्तु दोष दूर होता है, जिसका अच्छा असर घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने और परिवार के लोगों की सफलता सेहत सही रहने के रूप में मिलता है। तो ये पौधे आपके घर के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं 8 ऐसे प्लांट्स के बारे में जो आपके घर में शांति और आपके घर को सुंदर बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहला पौधा है जो आपके घर के एंट्रेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उसका नाम है इंग्लिश इवी। यदि आपके यहाँ एक छायादार प्रवेश द्वार है तो इंग्लिश इवी आपके लिए सबसे अच्छा है। यह एक ट्रॉलिंग प्लांट है जो आपके डोर को फ्रेम भी कर सकता है। दूसरा प्लांट है पेटूनियम। यदि आपके प्रवेश द्वार के पास बहुत अधिक धूप है तो पेटूनियम का विकल्प चुनें। इसके फूल आपके फ्रंट डोर को जीवित बना देंगे। अपने सुंदर रंगीन फूलों के कारण पेटूनियम बहुत मशहूर फूल है और इसकी पत्तियां रोएदार और शाखाओं वाली होती है। इस पौधे को धूप वाली जगह बहुत पसंद है। तीसरा पौधा है एम्ब्रेला ट्री। यह पौधे बाइस्ट, इनडायरेक्ट लाइट और
गर्म तापमान पसंद करते हैं। आप इसे मनचाहा आकार भी दे सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ने के साथ साथ इसे बार बार घुमाना ना भूलें। और जब तापमान गिरना शुरू होता है तो आपको उन्हें इंडोर ले जाना होगा। चौथा पौधा है बॉक्सवुड चॉपरी। बॉक्सवुड चॉपरी एक पेयर के साथ आपके घर के फ्रंट डोर को काफ़ी सुंदर बनाता है। यह कम रखरखाव और ठंडे मौसम के लिए अच्छा रहता है। आप इसे अपने घर के बाहर, अपने टेरेस पर या फिर अपनी खिड़कियों में भी लगा सकते हैं। यह एक लो मेंटेनेंस वाला पौधा है जिसे कम लाइट और कम पानी की ज़रूरत होती है। पांचवा पौधा है ट्रेडेस्कांटिया ज़ेब्रिना। ट्रेडेस्कांटिया ज़ेब्रिना एक ट्रॉलिंग प्लांट है जो कि कम रखरखाव के साथ आपके फ्रंट डोर को आकर्षण बनाता है। आपको इसे थोड़ी छायादार जगह पर रखना चाहिए क्योंकि पत्तियों पर इसकी स्ट्रिप्स फेड हो जाती हैं। छठा पौधा है एरिका पाम। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह उगा सकते हैं आप एरिका पाम को। इसे पत्तेदार पौधे को वहाँ लगाना चाहिए जहाँ सीधी धूप ना हो। यह डायरेक्ट सनसाइट से पीला हो जाता है। इसके पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं अगर इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती है तो। सातवां पौधा है साइट्रस ट्री। आपको नींबू या संतरे का पेड़ उगाने के लिए बड़े आंगन की ज़रूरत नहीं है। आप एक साइट्रस ट्री को वास्तव में अपने फ्रंट डोर के पास भी उगा सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि यह धूप और हवा से प्रोटेक्टेड रहे और सर्दियों में आप इसे इंडोर के लिए रखें। आठवां और हमारा आखिरी पौधा है लेडी स्लीपर ऑर्चिड। लेडी स्लीपर ऑर्चिड बहुत ही कम जगह पाया जाता है, इसलिए इसकी थोड़ी कीमत भी ज़्यादा है। यह खूबसूरत पौधा आपके घर को एक पॉजिटिव वाइब देगा। स्लीपर शेप के इस पौधे को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। यह दुर्लभ है और अधिकांश रूप से पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इस पौधे के फूल देखने में बहुत ही अट्रैक्टेड होते हैं और ये अट्रैक्टेड फूल आपके घर को एक स्पेशल एंट्रेंस देंगे। तो ये है वो आठ पौधे जिन्हें आप अपने घर के एंट्रेंस डोर पे लगा सकते हैं या फिर इन्हें आप एक इंडोर प्लांट्स की तरह भी रख सकते हैं। इन्हें ड्राइंग रूम, बाथरूम, स्टडी रूम कहीं भी लगा सकते हैं, पर आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप इनकी टेक केयर अच्छे से करें, इन्हें समय से पानी दें और सनलाइट से भी बचाकर रखें क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पौधों के लिए नुकसानदायक होती है। आपको ध्यान रखना है कि इन्हें बग्स या कीड़े वगैरह से भी बचाकर रखें। इसके लिए आप इनकी आए दिन सफाई करते रहें। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी भी बारे में जानना चाहते हैं इन पौधों के अलावा या किसी अन्य पौधों के अलावा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।